हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ दीपावली के मौके पर किस प्रकार सजाएं अपना घर। दीपावली के अवसर पर बहुत से लोग घर में टीवी और फ्रिज की खरीदारी करते हैं। टीवी और फ्रिज को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके लगाएं। ड्राइंग रूम में भारी सामानों को दक्षिण या पश्चिम दिशा की दीवार से सटाकर रखें। जिन लोगों के घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर है, उन्हें मुख्य द्वार पर पिरामिड या लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लगानी चाहिए। आपके घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर हो तो उत्तर पूर्व दिशा को विशेष रूप से सजाएं। जल में नमक मिलाकर उससे पूरे घर के अंदर छिड़काव करें। इस तरह की मान्यता है कि नमक वायु से नकारात्मकता को सोख लेता है और घर के भीतर एक सकारात्मक वातावरण को सर्जित करता है। घर के लिए कोई पेंटिंग या तस्वीर खरीद रहे हों तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पेंटिंग डूबते हुए जहाज, युद्ध, लड़ाई या उदास माहौल की ना हो। उगते हुए सूरज की, मुस्कुराते हुए चेहरों की, फूलों की पेंटिंग आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप ये पेंटिंग्स अपने घर की पूर्व दिशा की ओर ही लगाएं। अगर घर में ओम, स्वास्तिक या अन्य कोई शुभ चिन्ह वाली पेंटिंग लगानी हो तो उत्तर पूर्व कमरे की पूर्व दीवार इसके लिए उपयुक्त मानी गई है। कई लोग दिवाली के दिनों में नई घड़ी लेकर आते हैं, पर वास्तु ज्ञान ना होने के कारण उसे गलत दिशा में लगा देते हैं। घड़ी लगाने के लिए उत्तर, पूर्व तथा पश्चिम दिशा को उत्तम माना गया है। इनमें से किसी एक दिशा में घड़ी लगाने से घर में शुभ समय आता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है दिवाली के मौके पर आप किस प्रकार अपने घर को सजाएं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।